कार की जननी है। इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए भोपाल के अद्वैत शर्मा ने स्ट्रॉबेरी की हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग की इन्होंने शुरुआत की है। इनका दौर क्या था, किस दौर में ये कार्य किए और कैसे इनका इंटरेस्ट आया, तो मैं अद्वैत जी ये जानना चाहता हूँ कि कैसे आप इस फील्ड में आप आए। मैं पहले बॉश जयपुर में था एंड मैं वैसे एजुकेशन से मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, बट लॉकडाउन में फिर मैं जब सब कुछ करके घर आया वापस, सो मैंने कहा कुछ करना है मेरे को। तो यूट्यूब वगैरह पे मेरा देखा, मैंने देखना स्टार्ट की वीडियोस तो फार्मिंग से रिलेटेड, तो मेरे को हाइड्रोपोनिक्स दिखा उसमें। अच्छा जी। तो मेरा इंटरेस्ट उसमें जागा और क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे चीज़ें अवेलेबल थी, पाइप वगैरह अवेलेबल थे और हमारी इंडस्ट्री है तो थोड़ा बहुत सामान सब कुछ था, मशीनिंग वगैरह, तो हमने उसको थोड़ा सा सेटअप बनाया और सेटअप बना के जो है हमने स्टार्ट किया ट्रायल स्टार्ट किया, उसमें हमको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हुए और फिर हमने कहा कि इस लाइन में हमको कुछ आगे करके जाना है। अद्वैत जी, ज़्यादातर अलग अलग फॉर्म में हम लोग जाते हैं और खुद काम भी कर रहे हैं, तो वहाँ पॉली हाउस में लोग स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग करते हैं जी। ऐसा क्या हुआ कि आप हाइड्रोपोनिक्स में शिफ्ट हुए, हाइड्रोपोनिक्स में आने का क्या फ़ायदा है? इसमें जो मैंने देखा, पहला फ़ायदा तो ये है कि हम कम जगह में ज़्यादा खेती कर सकते हैं। जैसे ये जो मेरा नेट हाउस है 3,500 square feet का है और इसमें हमने 12,100 plants लगाए हुए हैं। अच्छा जी। दूसरा फ़ायदा ये देखा हमने कि जो डिजीज़ और पेस्ट मिट्टी में होते हैं, क्योंकि इसमें मिट्टी नहीं है तो वो डिजीज़ और पेस्ट इसमें लगते नहीं है। फंगस लगने के भी कम चांसेस रहते हैं क्योंकि जो कोकोपीट है वो खुद में भी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ रखता है। तो और दूसरा क्या होता है, जैसे लेबर जो है वो वर्टिकल जब काम करती है बिना झुके तो उसको भी काम करने में काफ़ी आराम रहता है। बिल्कुल। तो मन लगा रहता है, उनको ज़्यादा देर झुकना नहीं पड़ता है, तो ये इसके मैंने काफ़ी फ़ायदे देखे, जिसमें से पानी की भी 90% अपन बचत करते हैं। अच्छा जी। तो ये हम कह सकते हैं कि बहुत हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, संसाधन जनसंख्या बढ़ेगी, चीज़ें भी बढ़ती भी हैं, जनसंख्या तो बढ़नी नहीं चाहिए ज़्यादा, लेकिन यदि इस प्रकार की चीज़ें होती हैं उसके लिए नई नई तकनीकें देश में आई हैं। हम कृषि विश्वविद्यालय के जो बच्चे हैं उनको हम कहना चाहते हैं कि आप लोग भी इस फील्ड में आप आगे आइए, आप क्लर्क बनने के लिए आप यूनिवर्सिटी में नहीं आए हुए हैं। जी, जब मैकेनिकल इंजीनियर इस फील्ड के बच्चे आकर के अच्छा काम कर रहे हैं तो आप लोग भी कृषि विश्वविद्यालयों में अच्छा कार्य करें और अपने गाँव की ओर आप लौटें और कृषि क्षेत्र में अपना योगदान दें। और आपने किस नाम से इस फार्म की शुरुआत की, क्या नाम इस फार्म का? ये केसर फार्म्स के नाम से है, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं, आप केसर फार्म्स डालेंगे तो केसर फार्म ऑर्गेनिक के नाम से हमारे इंस्टाग्राम पे आपको पेज मिल जाएगा। चलिए, बढ़िया है, अच्छा इंटरेक्शन रहा हम लोगों का। हमारे साथ में थे डॉक्टर विपिन शुक्ला थे और अद्वैत शर्मा है और मैं प्रकाश चंद्र शुक्ला। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और हमारे नए नए वीडियोज़ को आप देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।